हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीडीसी यूट्यूबर के मेडिसिन सीरीज में। आज की हमारी मेडिसिन होने वाली है एटीएम 500 एमजी टैबलेट। जी हां, एटीएम 500 एमजी टैबलेट बेहतरीन असर दिखाती है आपके कान नाक गला फेफड़े के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। यानी कि ये मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है और इसका असर भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो आज हम बात करेंगे एटीएम 500 एमजी में कंटेंट क्या होता है, क्या यूजेस होता है, साइड इफेक्ट क्या होता है और कहाँ कहाँ इसको प्रिकॉशन के साथ लेना चाहिए। तो यानी कि इस वीडियो में हम इस टैबलेट की कंप्लीट यानी कि संपूर्ण जानकारी देंगे। पूरे वीडियो में बने रहिएगा डियर। इससे पहले हम बता दें कि जो हमारा ये डिस्क्लेमर है कि जो मेडिसिन हम ले रहे हैं, जो मेडिसिन हम बता रहे हैं, वो सिर्फ एक जानकारी के मात्र से, जानकारी के पर्पस से है। बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। स्टार्ट कर देते हैं डियर। जो एटीएम 500 एमजी में आपका कंटेंट होगा वो होता है एजिथ्रोमाइसिन। जी हाँ, एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबैक्टीरियल दवा होती है जो कि 500 एमजी के कंटेंट में इस टैबलेट में होता है। जबकि इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो इंडिको रेमेडीज लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है और इसको 30 डिग्री सेल्सियस के बिलो स्टोर करना होता है। बात करेंगे इसके यूजेस की, तो मेनली जो एंटीबायोटिक होती है एटीएम, जो कि वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जी हाँ, अगर वो रिस्पायरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हुआ है, ईयर में इन्फेक्शन हुआ है, नोज में इन्फेक्शन हुआ है, थ्रॉट में, लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है, कोई स्किन इन्फेक्शन है, आई में इन्फेक्शन है बच्चों के, एडल्ट के, या फिर टाइफाइड फीवर में भी कॉम्बिनेशन के साथ लगा के इसको दिया जाता है, साथ ही साथ कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जैसे गोनोरिया हुआ, उसमें भी ये बहुत अच्छा असर अपना दिखाता है। बात करेंगे डियर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो हमने बताया एजिथ्रोमाइसिन जो कि एक एंटीबायोटिक ड्रग होती है जो कि क्या करती है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करती है जिससे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं और आपका इन्फेक्शन सही हो जाता है। फिर हम बात करेंगे डोजेज की, क्या डोज होती है, तो इसका जो एक टैबलेट का डोज आपको 500 एमजी तो पता ही है, इसको हम ओरली लेते हैं खाने के 1 घंटे पहले या खाने से 2 घंटे बाद इसको लिया जा सकता है। और ये जो डोज होती है इसकी, आपका डॉक्टर जो सलाह देगा, जो प्रिस्क्राइब करेगा, उसी डोज के साथ लेनी चाहिए। और इसका जो कोर्स का ट्रीटमेंट होता है इस मेडिकेशन का, तो आपको अपना डोज स्किप नहीं करना होता है अगर आपको अच्छा असर देखना है। और अगर आपने अपना डोज स्किप कर दिया या रोक दिया तो आपका इन्फेक्शन और बढ़ भी सकता है। फिर बात करेंगे डियर कैसे इस एटीएम टैबलेट को हम यूज करें, तो मेनली ये जो हमारा मेडिसिन है इसको डॉक्टर जैसे आपको प्रिस्क्राइब करेगा वैसे आपको लेना है और इसको चबाना नहीं है, क्रश नहीं करना है, होल पूरा संपूर्ण इसको पानी के साथ, दूध के साथ, जूस के साथ इसको क्या करना है, खा लेना है। और इसको फूड के साथ या विदाउट फूड भी आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। अगर फिक्स्ड टाइम पे आप ले रहे हो तो इसका जो इफेक्ट है अच्छा देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं साइड इफेक्ट के डियर, तो जो कॉमनली इसका साइड इफेक्ट देखा गया है वो होता है ओमिटिंग होता है, नोजिया होता है, स्टोमक में पेन होगा, डायरिया की कंडीशन आएगी। अगर आपका ये जो साइड इफेक्ट है ज्यादा लंबे समय तक या बना हुआ है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिएगा। फिर हम बात करेंगे किस किस को प्रिकॉशन लेना है डियर। अगर आपको एजिथ्रोमाइसिन से एलर्जी है, प्रीवियस हिस्ट्री में आपको एलर्जी शो हुई है, अगर हार्ट प्रॉब्लम है, तो इस मेडिसिन को डॉक्टर के सलाह के द्वारा ही लें। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, तब भी आप अपने डॉक्टर का सलाह के बगैर नहीं ले तो ज्यादा सही है। डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी एटीएम 500 एमजी, जी हाँ, एजिथ्रोमाइसिन 500 एमजी टैबलेट के बारे में जानकारी थी। कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को औरों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले मेडिसिन की जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।